नमस्कार, चैतालीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे सूरन की सब्जी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए छील के काटा हुआ नमक लगाया हुआ सूरन, प्याज, टमाटर और अदरक की प्योरी, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और तेल। एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें सूरन को फ्राई कर लीजिए। एक कुकर में तेल गरम करके उसमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लीजिए। प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर डाल के मिक्स कीजिए। अब इसमें टमाटर और अदरक की प्योरी डाल दीजिए। इसमें नमक, धनिया पाउडर डाल के मिक्स कीजिए। इसे तेल छोड़ने तक पका लीजिए। अब हम इसे मैश कर लेंगे। ग्रेवी को इस तरह मैश कर लीजिए। अब इसमें सूरन डाल के मिक्स कीजिए। इसे तेल छोड़ने तक भून लीजिए। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से अब इसमें पानी डाल दीजिए। अब इसे एक सीटी लगाकर पकाइए। अब हम चेक कर लेंगे कि सूरन नरम हुए हैं या नहीं। सूरन की सब्जी अब तैयार है। हमें आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द पाने के लिए नीचे दिए गए बेल वाले आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।